नए वर्ष का आगमन ट्रक चालकों के लिए बुरी खबर लेकर आया है, क्योंकि ट्रक चालकों और वाहन चालकों के लिए बनाए गए कानून हिट एंड रन मामले में नया विधेयक पेश किया गया है, जो अगर पास हो गया तो ट्रक चालकों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं। भारत सरकार ने 1 जनवरी की पूर्व संध्या पर विशेष तौर पर ट्रक के चालकों के लिए बनाए गए हिट एंड रन कानून में एक नया विधेयक जारी किया है, जिसकी खबर लगते ही देश भर के ट्रक चालकों ने इसका विरोध करते हुए 1 जनवरी से हड़ताल की घोषणा कर दी है और अपनी अपनी ट्रकें नेशनल हाईवे पर जाम कर दी हैं, जिससे पूरे देश सहित भिलाई में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। बीती रात भी शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखी गईं, क्योंकि यह अफवाह भी फैला दी गई है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल सीमित मात्रा में है और बहुत जल्द मिलना बंद हो जाएगा। परंतु आज दिनांक 2 जनवरी को शहर भर के बहुतायत पेट्रोल पंप बंद ही नजर आए, परंतु कुछ अभी भी खुले हुए हैं। उनका भी मानना है कि यह हिट एंड रन के मामले में आया नया विधेयक गलत है, परंतु कुछ लोग इसे सही भी मान रहे हैं। शहर भर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ट्रक ड्राइवरों ने जो फैसला लिया है वो जनता के पक्ष में और अपने पक्ष में लिया है। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो उनका परिवार जो है ना रोड पे आ जाएगा। ये दुर्घटना घटना अपने आप में एक होती है। ज़बरदस्ती जानबूझकर कोई ट्रक वाला नहीं करना चाहता, ये घटना घट जाती है और उस घटना में अगर वो करने के बाद वो ट्रक वाला अगर वहीं रुक जाता है तो उसे जनता मार देगी। जनता मार देगी तो उस ट्रक वाले को कौन बचाएगा? इसके ऊपर भी एक कानून बनना चाहिए। अगर आप उनकी सुरक्षा, जनता की सुरक्षा के लिए और जनता के उसको फंड मिल जाए, जनता के परिवार को पैसा मिल जाए, इसलिए अगर आप ये कानून बना रहे हो तो ये कानून ठीक है। लेकिन अगर ट्रक ड्राइवर को जनता मार देगी, उसके लिए क्या सोचा है अमित शाह जी ने? मैं अमित शाह जी से क्वेश्चन करूँगा कि ये कानून बनाने का आखिर उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहते हैं? ट्रक ड्राइवर, ऐसा कानून अगर रहेगा तो कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, वो छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे बस हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी बंदा गाड़ी नहीं चलाएगा। हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं ये कानून आखिर क्यों बनाया आपने? बस एक तरीके से सही भी कह सकता हूँ, दूसरे तरीके से गलत। जो नियम आए हैं वो थोड़े सख्त हैं, सरकार को इसके बारे में एक बार और विचार कर लेना चाहिए और ट्रक ड्राइवरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोग हैं जो साधन मतलब सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में सबको आसानी हो, इसलिए एक बार ड्राइवर लोग के बारे में गवर्नमेंट को फिर से सोचना चाहिए। केंद्र सरकार सभी ट्रक ड्राइवर और संगठन से अनुरोध कर रहे हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों के टैंकरों को ना रोका जाए, यदि ऐसा होता है तो उन सभी पर और संगठनों पर कार्रवाई की जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।